हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं एक और स्टॉक के बारे में, उसका चार्ट देखिए, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है अभी आने वाले फ्यूचर में उसके साथ। चार्ट कैसे उसका स्ट्रक्चर बताता है। स्टॉक का नाम है RBL बैंक दोस्तों। और वैसे बैंकिंग सेक्टर अभी बड़ा वीक ही चल रहा है क्योंकि बैंक भी काफ़ी गिरा है। इवन देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट भी अप है, डाउ जोन्स भी अप है, यूरोपियन मार्केट भी अप है, फिर भी फ्राइडे को अपना मार्केट नीचे आया है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है एक पुशबैक हो आगे पुल करने के लिए, हो सकता है ऊपर निकल जाए और हो सकता है नीचे भी आ जाए। और दोस्तों अगर आप RBL बैंक का चार्ट देखेंगे तो फ्राइडे को थोड़ा बहुत नीचे आया था ये, और फिर बायर्स इसको थोड़ा ऊपर लेके गए हैं और इसने देखा जाए तो 220 का लो लगाया था और उसके बाद वापस इसने जाके डे क्लोजिंग करीब दी है 218.95, मतलब 219 के आसपास की क्लोजिंग दी है। 220 का इसका हाई है, मतलब हाई के पास में क्लोज है। पर अगर चार्ट का स्ट्रक्चर आप देखोगे दोस्तों, मैंने एक सपोर्ट लाइन भी बना रखी, ट्रेड लाइन भी बना रखी डे चार्ट के अंदर, और डे चार्ट में आप देखोगे तो बिल्कुल सपोर्ट लाइन को टच करके ही ऊपर गया है और ऊपर उसका अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट है 225, मतलब 226 मान के चलो। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा ऊपर तो नहीं जा पाएगा और इसी चैनल के बीच में चलता रहेगा। धीरे धीरे ये चैनल देखिए तो छोटा होता जाएगा आगे जाके, तो कहीं एक जगह तो उसको ब्रेकआउट देना ही है। और पूरी उम्मीद है अगर बैंकिंग सेक्टर अगर अच्छा करता है और बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही पुश करेगा। और अगला टारगेट इसका अगर 226 क्रॉस करता है तो 245 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। और इसका लोअर एंड से देखेंगे तो दोस्तों अगर इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे आया तो उसका दूसरा सपोर्ट फिर 170 के आसपास ही है, क्योंकि ये दो छोटे छोटे हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग ये छोटे छोटे सपोर्ट 200 के आसपास, एक राउंड फिगर है 200 के आसपास राउंड फिगर पर थोड़ा रुक सकता है। अगर ये भी टूटा तो फिर तो 170 100% डन ही है। पर मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए क्योंकि अभी इंडेक्स भी देखा जाए दोस्तों, इंडेक्स पे भी पूरा ध्यान रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक छोटी सी रेंज के अंदर ही अप एंड डाउन कर रहे हैं और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट भी अभी ये नहीं बता पा रहे हैं कि इंडेक्स किधर जाएगा। बड़े कन्फ्यूजन है बैंक निफ्टी के बारे में, तो अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि अप है डाउन है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये 35-36 के बीच में ऊपर नीचे घूम रहा है। तो पूरी उम्मीद है ऊपर जाए तो अच्छा ही है, हमारे बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। और दोस्तों अगर इसको अपन एक छोटे से टाइम फ्रेम में करके देखें और अगर 15 मिनट के चार्ट में इसको कन्वर्ट करके देखें तो इससे थोड़ा और छोटी लेवल, मतलब इंट्राडे के हिसाब से कुछ मालूम कर सकता है कि क्या हो सकता है। हो सकता है मंडे को जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट अप है, ये अगर देखें तो डाउ जोन्स 478 पॉइंट अप है, और अगर गैप अप खोला अपना मार्केट, पॉसिबिलिटी तो कम लगती है, भरोसा नहीं, फिर हो सकता है गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, क्योंकि अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। और बैंक निफ्टी बिल्कुल 35 के तो ऊपर है, पर बिल्कुल एकदम अलर्ट पॉइंट पे है। अगर 35 नीचे जाके इसने अगर 34,900 के आसपास जाके इसने सिस्टम कहना चालू कर दिया तो फिर तो नीचे के लेवल खुलेंगे। और अगर 35,300 क्रॉस किया, 5,400 के बीच में सिस्टम कहना चालू किया तो फिर ऊपर के लेवल खुलेंगे। पर पॉसिबिलिटी नहीं है 36,000 इतना जल्दी क्रॉस करे, धीरे धीरे आएगा। पर पूरी और अपन चलिए RBL बैंक को देखेंगे अभी फिर। तो दोस्तों अभी लास्ट के कुछ एक घंटे के अंदर 2:30 बजे से लेके 3:30 तक, 3:15 तक इसमें सेलर्स ही ज़्यादा एक्टिव रहे दोस्तों, काफ़ी इसको थोड़ा बहुत और नीचे लेके आए, यहाँ से 220 से फिर 1-2 रुपये और नीचे आ गए। सो फिर भी देखिए दोस्तों अलर्ट रहिए, अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा, और आगे लेवल भी हो सकता है 225 इसका मेन ऊपर का टॉप का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ध्यान रखिए। और नीचे इस सपोर्ट लाइन को आप भी एक ट्रेंड लाइन बना दीजिए दोस्तों, और ये सपोर्ट लाइन के ऊपर ही रहिए। अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो आप थोड़ी अपनी क्वांटिटी हल्की कर दीजिए। डिस्क्लेमर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इस पर डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए। तो मेरी तरफ से आपको सलाह है, ये मेरा छोटा सा चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसके हिसाब से ही रहिए। और अगर ये इस लाइन को ब्रेक करता है सपोर्ट लाइन को, थोड़ी पोजीशन अपनी हल्की कर दीजिए और फिर बाय ऑन डिप की पॉलिसी पे रहिए दोस्तों। फिर थोड़ा नीचे आते हैं और इंडेक्स और ये सब अच्छे लगते हैं ऊपर जाने के लिए, फिर कीजिए। अगर नहीं आता है और ऊपर ही रहता है और ऊपर ही ब्रेकआउट करता है तो फिर अपनी क्वांटिटी ऐड करते जाइए, क्योंकि 226 क्रॉस करेगा तो 245 का इसका अगला टारगेट तो ओपन होता ही है, क्योंकि उससे पहले तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ऊपर जाकर टॉप पर देखेंगे तो फिर तो 245 भी अगर क्रॉस हो गया तो फिर 270-271 इसका सबसे टॉप है, और ऊपर तो लेवल और भी खुलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए इस स्टॉक के बारे में। RBL बैंक है, बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा पूरी उम्मीद है, और ये ऊपर ही जाएगा मेरी भी पूरी उम्मीद है, ऊपर के लेवल ही आने चाहिए। और फिर भी ध्यान रखिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और प्लीज़ अगर कुछ आपको कुछ इसके बारे में एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट।